पार्ट फोर, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है, वीडियो देखने से पहले ईयरफोन जरूर लगा लीजिएगा। हे भगवान, ये कितना भारी है! बाबू साहब, प्लीज उठ जाइए ना हमारे ऊपर से। तुम्हारी खुशबू कितनी मस्त है ना ताई। ये क्या कर रहा है? ये पत्थर जैसा क्या चुभ रहा है? ताई, तुम्हारी ये खुशबू मुझे और भी ज्यादा हार्ट फील करवा रही है। नहीं ताई, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो ताई। नहीं बाबू साहब, नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हटिए मेरे ऊपर से। चिल्लाओ मत, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो बाबू साहब, हटिए मेरे ऊपर से, हटिए। तुम जितनी चाहो उतनी कोशिश कर लो, मैं नहीं हटने वाला, क्योंकि इतना अच्छा माल अपने हाथों से तो नहीं जाने दे सकता ना। चलो बेबी, अब मत सताओ, मैं पहले से ही तुम्हारी वजह से बहुत हार्ड फील कर रहा हूँ। प्लीज मुझे शांत करो, मेरी मदद करो। नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। चुप, चिल्लाओ मत। लेकिन मैं चिल्लाऊंगी, माई बचाओ। ओके, तो चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर सारे लोग यहाँ पे आए तो सीधा यहाँ से ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं माफिया जॉन जंकुक तुम्हारी सारी फैमिली को मार डालूं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबू साहब। नहीं, मैं तो ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा। नहीं, आप नहीं करेंगे, मैं करूँगा। मैंने कहा ना, आप नहीं। तो फिर मेरी मदद करो। कैसी मदद? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही लेटे रहो, जो करना है वो मैं करूँगा। लेकिन बाबू साहब, हे भगवान, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरी इज्जत को बचाओ, वरना ये दरिंदा मुझे लूट लेगा। जंकुक, जंकुक दीदी, ये क्यों बुला रही है? हाँ, क्या मैं बच गई? मेरी इज्जत लूटने से बच गई? उठो जल्दी से, वरना दीदी देख लेंगी। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस हालत में देखे, उठो। हाँ जी बाबू साहब। और हाँ, ये बिस्तर भी ठीक कर देना, समझी? इस पे सिलवटें नहीं दिखनी चाहिए मुझे, अंडरस्टैंड? जी। चलो शुगर, आओ घर के अंदर आओ। अब तक जिमिन ने उसके बेसमेंट में शुगर को किडनैप करके रखा था, लेकिन अब जिमिन ने उसे जॉन मेंशन लाया है। चलो, ऐसे देख क्या रही हो? फिर शुगर घर के अंदर आता है। क्या क्या ये तुम्हारा घर है? तुम्हारा नहीं, हमारा, हमारा घर बोलो शुगा जी, हमारा। ये घर आपका भी तो है, आज से आप भी यहीं पे रहोगे हमारे साथ। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ये मुझ पे फिर से गुस्सा हो जाएंगे और मुझ पे जुल्म करेंगे, इससे अच्छा यही है कि मैं कुछ ना बोलूं। क्या हुआ? कुछ नहीं दी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? देख जंकुक, तेरा जीजा जी, मैं इसे ले आई। हेलो जीजा जी, एंड वेलकम, वेलकम टू जॉन मेंशन। वैसे जीजा जी, कहना पड़ेगा, आप इन कपड़ों में बड़े हैंडसम लग रहे हो। लगेगा क्यों नहीं, मेरी पसंदीदा क्लोथ जो है, हैंडसम तो लगना ही था। लेकिन जीजा जी, मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा टॉप पे रहता हूँ और मेरी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। वैसे शुगा, तुम इन क्लोथ्स में ना बड़े हॉट भी लग रहे हो। तो फिर दीदी, अब ये तो बताओ कि शादी का खाना कब खिला रही हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये तो मैं सोच रही हूँ। वैसे शुगा, बताओ हम कब शादी करें? मतलब कोई डेट वगैरह बताओ मुझे। तुम जिस डेट पे शादी करने को बोलोगे, हम दोनों उस डेट पे शादी करेंगे। वो, हाँ बताओ। वो क्या हुआ? क्या कोई परेशानी हो रही है बताने में? क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ जल्दी बोलो। क्या दीदी ने भी बड़ा कमजोर लड़का पकड़ के लाया है। मालकिन, मालिक, आप कहाँ हो? आइए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। मैंने कहा अभी कि मुझे भूख लगी है। नहीं ना, तो फिर तुझे किसने कहा यहाँ पे खाना लाने को? हाँ जाओ, ले जाओ वापस खाना, वरना। हाँ दीदी ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया? चुड़ैल और पिशाच, दोनों माफिया के बच्चे, इन्हें तो मैं अभी मजा चखा दूँ। जी मालकिन, हम यहाँ से खाना ले जा रहे हैं, जब आपको भूख लगेगी तब बता दीजिएगा। जिनू चलो। वो कौन थी? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? ये लड़का शायद
जीजा जी बड़े कमजोर लग रहे हैं दीदी, शायद बेचारे को भूख लगी होगी, खाना खिला दो। नहीं जंकुक, तुम्हारे जीजा जी को भूख नहीं लगती है। क्यों शुगा, नहीं लगी है ना भूख? लेकिन मुझे भूख लगी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना जंकुक, तुम्हारे जीजा जी ना मुझे छोड़ के भाग जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आज पूरा दिन तुम्हारे जीजा जी को भूखा और प्यासा रहने की सजा दी है। एक छोटी सी और क्यूट सी सजा, बताओ कैसी लगी? क्या ये एक मासूम से लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कितनी सेल्फिश है ये। वाह जमींदी, मान गए आपको, मतलब आप पूरा दिन जीजा जी को खाना और पीना नहीं दोगी? यस, नहीं दूंगी, बिकॉज जो इंसान मेरी बात नहीं मानते है ना, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती हूँ। शांत हो जाओ जिनू, शांत हो जाओ, ऐसे समय पे दिमाग को शांत रखना ही सही होता है, दिमाग को गर्म मत करो। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो नामजुन? अरे देवा, हीरे की अंगूठी। क्या ये असली हीरे की अंगूठी मेरे लिए है नामजुन? और किसके लिए होंगी जिनू? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि तुम कब लेके आई इसे। बस डॉक्टर जंगसुक से मंगवाई है। क्या, लेकिन वो कब लेके आए थे? जब हम लोग यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे थे तब मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए मंगवाई थी। आई लव यू टू जिनो, तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। वाओ, सो क्यूट, किसी की नजर ना लगे इन दोनों की जोड़ी को। ये लीजिए आप लोगों का बेटा, पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। यंजुन, कहाँ हुआ बिटुआ? अब्बा डब्बा जब्बा। हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज है? शायद यंजुन को भूख लगी है। अब्बा डब्बा जब्बा, बुगम तो का भूख लगी है ना भाई? अब्बा डब्बा जब्बा, ओह अच्छा, तो इसे भूख लगी थी और मैं ना जाने परेशान हो रहा था कि इसे पता नहीं क्या हुआ है। सच में ऐसे भी जीव बहुत अच्छे हैं। मैं ना जाने इसके साथ कहां फंस गई हूं, लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी है, इसी बहाने मैं इस पे नजर रख सकती हूँ। ये कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी सारी एक्टिविटीज पे नजर रख सकती हूँ। इसके होंठ तो गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा सॉफ्ट है।
जब मैंने इसके साथ किस की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जन्नत में हूँ। शेमलेस कहीं का कैसे घूर घूर के देख रहा है मुझे। अगर इसके साथ बात की तो फिर से गले पड़ जाएगा मेरे। चुप रहती हूँ, वही सही रहेगा मेरे लिए। सुनो हाँ। रात बहुत हो गई है, तुम भी अब सो जाओ। थैंक गॉड, कैसे ये तो याद आया कि मुझे भी नींद लग सकती है, मुझे भी अब सो जाना चाहिए। ठीक है जंगुक बाबू साहब, हम अपने माई बाबूजी के कमरे में जा रहे हैं उनके साथ सोने। रुको, मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला क्या? ये मत भूलो कि तुम मेरी नौकरानी हो और ना ही मेरे परमिशन के सिवा यहाँ से कहीं जा सकती हो। तो फिर बाबू साहब हम कहाँ पे सोएंगे? हमें सोने के लिए तो जाना पड़ेगा ही ना। तुम अंधी हो, तुम्हें ये इतना बड़ा बेड दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ? तुम यहाँ पे मेरे साथ इस बेड पे सो सकती हो। क्या यहाँ पे सो जाऊँ इसके साथ? क्या ये पागल हो गया है? मैं और इसके साथ इस बेड पे सोऊंगी? नहीं नहीं जंगू बाबू साहब, हम आपके साथ इस बेड पे नहीं सो सकते। हम ऐसा करते हैं, हम नीचे सो जावते हैं, ठीक है? मैंने तुम्हें नीचे सोने को बोला क्या? नहीं। तो फिर नीचे क्यों सो रही हो? वो कहा है कि आप हमारे मालिक है ना, और हम हमारे मालिक के साथ एक ही पलंग पे कैसे सो सकते हैं? क्यों नहीं सो सकती हो तुम? बिल्कुल सो सकती हो, तुम इस बेड को अपना ही बेड समझो और मुझे भी। क्या हे भगवान, क्या अब ये मुझे सोने भी नहीं देगा क्या? अच्छा ठीक है, वैसे सोफे पे भी सो सकते हो तुम, जाओ सोफे पे सो जाओ। वैसे इसके साथ एक ही पलंग पे सोने से तो यही अच्छा है कि मैं इस सोफे पे ही सो जाऊं। क्या सोच रही हो, क्या सोफे पे भी नहीं सोना है? नहीं नहीं बाबू साहब, ऐसा बात नहीं है, हम इस सोफे पे ही सो जावा थे। हाँ तो फिर जाओ सो जाओ सोफे पे। हाँ हाँ जी जंगुक बाबू साहब। फिर ताई जाती है और सोफे पे सो जाती है, लेकिन जंगुक ताई को सिर्फ घूर घूर के देख ही रहा होता है। अब ये डर के मुझे देख क्यों रहा है? क्या मुझे सोने भी नहीं देगा ये? हाँ, मुझे क्या, देखता है तो देखने दो, मैं सो जाती हूँ।